हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं इसमें मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम बताऊँगा कैनेडा के जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। तो मैं ऑलरेडी चेक प्रोसेसिंग टाइम के वेब पेज पे हूँ, कैनेडा की जो एम्बेसी की वेबसाइट है canada.ca के ऊपर। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो हम टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा, विजिटिंग, स्टडिंग, वर्किंग इसमें मैंने फीड कर दिया, और विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, और हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है इस वक्त 38 डेज आ रहा है, और ये पीछे से काफ़ी बढ़ गया है। प्रोसेसिंग टाइम पहले था करीब 29 डेज चल रहा था, तो अब ये 38 डेज हो गया। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन आज लगाते हैं तो ये 38 डेज के प्रोसेसिंग टाइम के साथ प्रोसेस हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। तो आप अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा भी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं वर्क परमिट के ऊपर। तो हमने इसमें सारी वैल्यू फीड कर दी है, वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, और कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से। तो इसमें जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है वो 21 वीक्स आ रहा है। तो ये जो पहले होता था 12 वीक्स होता था, 12 वीक्स मतलब 12 हफ्तों में आ जाता था, तो अब ये 21 वीक्स हो गया। ये बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे हमें पता लग रहा है कि वर्क परमिट की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लगी हैं, और प्रोसेस भी कर रहे हैं, काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है। तो 21 हफ्तों का मतलब है कि 5 महीने के करीब, 5 महीने से ज़्यादा लग रहा है, 5.5 महीने लग रहा है एक वर्क परमिट की एप्लीकेशन को प्रोसेस होने के लिए। तो इसमें ये भी लिखा हुआ कि अगर आप एसेंशियल ऑक्यूपेशन में नहीं अप्लाई करते तो ये प्रोसेसिंग टाइम आपका इससे भी ज़्यादा लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा लगेगा, पर तो इसके बाद हम चलते हैं जो प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम इनसाइड कनाडा के लिए। तो जैसे हम प्रोसेसिंग टाइम इनसाइड कनाडा, इन वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन, इसका मतलब होता है इनिशियल मतलब आप अगर पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं वर्क परमिट, या एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, जैसे आपका वर्क परमिट ख़त्म हो गया और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम के जो उनके लिए प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है वो 96 डेज का आ रहा है। तो इसमें ये है कि जितनी भी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन लग रही हैं, कोई भी पेपर एप्लीकेशन नहीं लग रही, तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत रिड्यूस हो गया। अगर कईयों ने लगाई भी हुई है पेपर एप्लीकेशन, तो उनका भी प्रोसेसिंग टाइम 96 डेज ही हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कनाडा में हैं लोग, उनके लिए प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया, 96 डेज हो गया, पर जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम 21 वीक हो गया। इसके अलावा हम दोबारा उसी पे चलते हैं जो विजिटर वीज़ा के बारे में जो बता रहे हैं इस वक्त प्रोसेसिंग टाइम जो 38 डेज है। ये लास्ट अपडेट हुआ है 6 जून 2024 को, मतलब कि 6 जून 2024 को ये अपडेट हुआ है। तो हम इसमें एक ये भी बात करना चाहते हैं कि अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पे जाके इसको वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं, और वर्क परमिट के चेंज करवाने के बाद 1 साल के बाद आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कनाडा टूरिस्ट वीज़ा आप एक सिंपल टूरिस्ट वीज़ा मत समझिए, इसको एक स्टेप समझिए, कनाडा की PR लेने के लिए एक स्टेप समझिए। और ये मतलब बहुत वैल्यूएबल वीज़ा है, इसको लोग इतना लाइटली मत इसको लोग इतना लाइटली लेते हैं, ये लाइटली लेने का वीज़ा नहीं है। तो आप अपनी फाइल पे मेहनत कीजिए, अपना प्रोफाइल अच्छा बनाइए, और उसके बाद आप अप्लाई करिए। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, या किसी के कारण कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में, या कोई चीज़ आपकी रह जाती है, तो वो भी आप इसको ठीक आप उन मिस्टेक्स को ठीक करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 100% वीज़ा लेना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा, तो उसके लिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत बिल्कुल रियल डॉक्यूमेंट्स लगाइए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाइए, तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा।
अगर फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं हम। कनाडा में एक जज के थ्रू हम फेडरल कोर्ट में आपकी रिफ्यूज़ल को चैलेंज कर सकते हैं। तो आपका केस देख के आपको विजिटर वीज़ा ग्रांट करवाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो की आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो सकता है इसकी जिसको आप शेयर करेंगे उसको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो। और इसके अलावा आप अगर आप पहली बारी मेरे वीडियो पे आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं आपको वही ऑफर जो हर वीडियो में देता हूँ इस वीडियो में भी दे रहा हूँ कि अगर आप अपनी टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो इस वीडियो के ऊपर मोबाइल नंबर आ रहा है आप उसमें फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे को ऑफिस में आके मिल सकते हैं और अपनी टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं मेरे से। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है अभी भी तो वो आप मेरे को फ़ोन करके मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना आंसर ले सकते हैं। और अपना क्वेश्चन आप अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे तो उसका भी आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी टफ फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे पेमेंट करके मुझे जैसे इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके बाय।